हेलो दोस्तों, मार्केट बॉटम जल्द ही बनाने वाला है दोस्तों। और मार्केट जैसे ही बॉटम बनाएगा, हम सोचेंगे कि हमें सबसे पहले कौन सा स्टॉक खरीदना है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक ऐसा स्टॉक खरीद के लाया है जो दोस्तों मोर देन 50% डिस्काउंट में वो आपको मिल रहा है दोस्तों। तो वो स्टॉक आपको देखना जरूर चाहिए एक बार। और वो स्टॉक है दोस्तों यूपीएल। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वो स्टॉक का नाम है यूपीएल। और दोस्तों यूपीएल का नया टारगेट आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यूपीएल का नया टारगेट बताया जा रहा है कि यहाँ देख लीजिए 710 रुपीज़ दोस्तों, ठीक है। आज के डेट में ही यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, बताया जा रहा है आज के डेट में। आपको यहाँ पर ये भी दिखा दे रहा हूँ, डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए भाई, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 16 मार्च 2020, यहाँ पर देख लीजिए 2 o'clock 3 o'clock के आसपास आया है, ठीक है। टाइम भी यहाँ पर मेंशन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये स्टॉक का जो प्राइस है अभी 350 के आसपास है, और निफ्टी अभी और भी गिर सकता है, ठीक है। निफ्टी अभी और भी गिरेगा तो दोस्तों मेरे ख्याल से यूपीएल आपको मिल सकता है दोस्तों 300 के रेंज में, ठीक है। ये है दोस्तों यूपीएल, जो आपको मिल सकता है 300 के रेंज में। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। भले ही अभी मार्केट की वजह से गिर रहा है, लेकिन दोस्तों यही स्टॉक है जो आपको मार्केट जैसे ही करेक्शन होने के बाद, आपको ये ऐसे ही स्टॉक आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट होगा। तो जैसे आपने देखा दोस्तों, ये स्टॉक को आपको कितना 710 रुपीज़ आपको जो है टारगेट दिया जा रहा है। और अगर हम कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, 350 × 2, तो हमें दोस्तों 700 रुपीज़ ऐसे ही मिल जा रहे हैं। मतलब कि पैसा डबल, जस्ट पैसा डबल हो चुका है दोस्तों। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो डेटा आया है उसके हिसाब से मैं आपको बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको इन्फॉर्म नहीं करूँगा पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों सोच लीजिए, वहाँ पर 710 का टारगेट दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ओनली 700 ही हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और कंपनी काफ़ी अच्छे रेट पे आपको मिल रही है दोस्तों। ये वो कंपनी है जो बोनस देती है, ये वो कंपनी है दोस्तों जो डिविडेंड देती है। बोनस प्लस डिविडेंड आपको बहुत ही कम मिलेगा दोस्तों, जो बोनस प्लस डिविडेंड देता हो वो कंपनी क्वालिटी वाली होती है। तो ये जो प्राइस आपको मिल रहा है दोस्तों 300 के रेंज में, ये बहुत अच्छा प्राइस है। खरीद लीजिए, आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई। क्योंकि जिस हिसाब से बताया जा रहा है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा भाई, आप सोच रहे हो, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है दोस्तों, आपको खरीदना है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। एक दो खरीदोगे दोस्तों इस मार्केट के करेक्शन होने में, तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, दम भर खरीदेगा, ठीक है। आगे पीछे करोगे तो थोड़ा आपको कम प्रॉफिट होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, ठीक है। तो डेटा हम कंपनी का नेट डेटा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या कंपनी को कुछ इफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो सबसे पहले हम नेट सेल्स देखते हैं। नहीं भाई, नेट सेल्स में तो भाई पूरा मतलब कि इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं न, तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर देख सकते हैं 701 करोड़ का क्या हुआ है, अपर सर्किट में ही गया है। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स जब कंपनी का हो जाता है अपर में, तो सोच लीजिए वो कंपनी अभी बेस्ट ही कर रही है अपना। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो अभी मत खरीदो, थोड़ा सा वेट करो। इसीलिए मैंने जो है थंबनेल में लिखा है 300 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है 300 रुपीज़, क्योंकि मार्केट यहाँ से और भी 8 या 12% के आसपास करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट और भी करेक्शन ले सकता है, अराउंड 8 to, मुझे लगता है कि कम से कम तो यहाँ से 15% तक मार्केट और भी गिर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर आपको टारगेट दिया है दोस्तों, ये स्टॉक का 300 के आसपास मैंने बोला, मान लीजिए 320 के आसपास ही मिल जाए, ठीक है। तो जो भी प्राइस मिलता है दोस्तों 300 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। 300 के आसपास ही मिलेगा, ये 3 के आसपास में मिलेगा, ठीक है। या तो 320 या तो 300 के आसपास में, लेकिन ये जो 3 है वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ फोकस करना है। और कंपनी के बारे में देख लीजिए, कंपनी जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी ने हर एक चीज़ दिया है, जितने भी यहाँ पर हिस्सेदारी लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो हम डिविडेंड चेक करते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड के मामले में यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कहाँ से देना स्टार्ट किया भाई। तो डिविडेंड के मामले में अगर हम देखते हैं, तो 2015 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, 16 में दिया, 17 में दिया, 18 में दिया, 19 में दिया। मतलब डिविडेंड का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मतलब कि कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट होने से कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे करती है। अगर उसको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो बोनस देती है, ठीक है। तो दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर देखिए रेगुलर दे रहा है, और कितना डिविडेंड दे रहा है हम वो भी चेक करेंगे, ठीक है।
तो डिविडेंड हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड के मामले में कंपनी जो है अराउंड, फर्स्ट टाइम जो दोस्तों दिया था इन्होंने 250% दिया था, फिर से इन्होंने 250% दिया था, 350% दिया था, फिर यहाँ पर सॉरी एक मिनट रुक जाइए, फिर यहाँ पर इसने जो है 400% दिया था, फिर से इन्होंने 400% दिया था। तो अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुअली क्या हुआ दोस्तों, डिविडेंड इंक्रीज हुआ, ठीक है, ग्रेजुअली क्या हुआ दोस्तों, डिविडेंड इंक्रीज हुआ, तो आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये जो परसेंट है मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ, स्टॉक का प्राइस ही कितना है दोस्तों, स्टॉक का अगर प्राइस देखो तो 350 के आसपास है, अगर डिविडेंड ही आपको 400% 400% मिल जा रहा है, ये 400% है जो दोस्तों इसका फेस वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। इसका फेस वैल्यू अगर 10 होगा, ठीक है, अगर इसका फेस वैल्यू 10 होगा तो इसका 400% वो बोल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों 400% का ये मत समझ जाइएगा कि 400 रुपीज़ दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देख लेते हैं भाई बोनस के मामले में कंपनी कैसा है। तो भाई बोनस भी दिया है, फर्स्ट टाइम कैसा बोनस दिया, तो फर्स्ट टाइम जो बोनस दिया है कंपनी ने 1:1 का दिया है, ठीक है, 1:1 का दिया है फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम देखिए 1:2 का दिया। 1:1 का मतलब होता है अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो और आपको जो है 100 मिल जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा 100 मिल जाएंगे। अब आपके पास कितना होंगे, 200 शेयर आपके पास हो गए, ठीक है। तो दूसरे टाइम दोस्तों आपको 1:2 का दिया गया, लेकिन बोनस तो दिया कंपनी ने, बोनस तो दिया भाई, अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर भी आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हुआ, और यहाँ तक कि दोस्तों एक बार स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर हाँ देखे तो दोस्तों स्टॉक भी, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ भाई कंपनी अच्छी है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और जिस हिसाब से इसका न्यूज़ आया है कि ये जो है आपका पैसा डबल कर सकता है, जो डेटा के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया, अगर डबल कर देगा तो आपके लिए अच्छी बात है, डबल नहीं करेगा फिर भी आपको मेरे हिसाब से 30-40% निकल जाना चाहिए लॉन्ग टर्म में, ठीक है। वो जो भी टारगेट था दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के लिए था, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए था। तो आपको क्या करना है, वेट करना है भाई, ठीक है, और मार्केट जब स्टेबल हो जाएगा तब खरीदना है, जब मार्केट अपना बॉटम बनाएगा तब, बॉटम बना के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तब आपको खरीदना है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि आप मिडिल में खरीद लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन डेटा के हिसाब से सही है, तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा। और आने वाले दिनों में दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक के लिस्ट है जो आपको बताऊंगा, जो अच्छा से अच्छा जो है आपको रिटर्न दे सकता है। आप एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट गिर जरूर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो गिरते हुए मार्केट में भी आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न देंगे और आपको लॉस भी नहीं देंगे, ऐसे भी स्टॉक है दोस्तों। तो आप वीडियो देखते रहिए बस।